स्वागत है आपका अभी क्लासेस डाउट्स में। और आपका प्रश्न है कि खाद देना से आप क्या समझते हैं। इस सवाल का जवाब में लिखेंगे कि लगातार फसलों को उगाने से मिट्टी में कुछ पोषक तत्व की कमी हो जाती है। देखिए, कोई भी फसल अगर आप उगाइएगा तो फसल को भी कई तरह के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है जो वो मिट्टी से प्राप्त करते हैं। लेकिन लगातार अगर आप फसल उगाइएगा तो मिट्टी में से पोषक तत्व की कमी हो जाती है। इस कमी को पूरा करने के लिए किसान खेतों में खाद और उर्वरक डालते हैं। इस क्रिया को खाद देना कहते हैं। किसमें? मिट्टी में। मिट्टी में खाद तथा उर्वरक के प्रयोग से मिट्टी की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है। ये बात आपको यहाँ पर पैराग्राफ छोड़ करके लिखना है। देखिए, खाद्य और उर्वरक दोनों ही अलग चीज होता है। खाद्य जो है एक प्रकार का जो है कह सकते हैं कि नवीकरणीय है। नवीकरणीय नहीं, मतलब कि पर्यावरण के लिए अनुकूल है, जबकि उर्वरक जो है पर्यावरण के प्रतिकूल है। ठीक है, तो दोनों में भी अंतर है। इससे भी प्रश्न पूछा जाता है, दोनों में क्या अंतर है। फिलहाल तो इस सवाल का जवाब लीजिए। ऐसे और प्रश्नों के जवाब के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।